हमारे दर्शकों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव का फेंका गया पुतला। जी हां, दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुए भ्रष्टाचार एवं प्रतियोगी परीक्षा का समय कुछ कारणों से बढ़ने से प्रतियोगी छात्र परेशान होकर ये कदम उठाए और लोक सेवा आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। मुख्य सचिव मंजू कटियार जी का पुतला फेंका गया। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते अजीत यादव, अखिलेश यादव एवं विवेकानंद पाठक। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग में लगातार भ्रष्टाचार और बंडरबांट हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज पुतला दहन की शुरुआत की। पुतला दहन से क्योंकि मंजू कटियार और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव जी जिस तरीके से लोगों की लापरवाही से और अंदर जो कूटनीति और उनके जो सदस्य हैं वो लोग मिल के जिस तरीके से लोक सेवा आयोग को बेचने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम सभी प्रतियोगी छात्र जो जनमानस है हम लोगों ने शासन भवन पे पुतला फूका है और इस्तीफे की मांग करते हैं। पूरी उनकी जो सदस्य की पूरी टीम है, हम चाहते हैं कि उनकी जितनी सदस्य की टीमें हैं ये वो इस्तीफा दें और हम लोग CBI जाँच की मांग करते हैं। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग में पिछली बार जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, CBI जांच हुई, उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सब दबा दबा रह गया है। उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से यह लोक सेवा आयोग में अंजू कटियार के सहित उनकी जो पूरी टीम है वो निष्पक्ष रूप से आवे और CBI जांच हो, और हम लोग चाहते हैं कि उस पर जो कार्मिक मंत्रालय जो उस पर इस्तीफा मांगे और कार्मिक मंत्रालय की जो टीम है वो भी अपना इस्तीफा दें। अजीत यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लोक सेवा आयोग के जो भी पदाधिकारी है उनसे मिलकर के हम लोग ज्ञापन देंगे। हम अपने जो भी पूर्व छात्र के अध्यक्ष हैं उनको बुला करके एक बड़ी मीटिंग करेंगे और हम सब लोक सेवा आयोग को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके खिलाफ जो कोई कार्रवाई नहीं होगी। नाम बताओ। अखिलेश गुप्ता, अध्यक्ष इलाहाबाद। आप लोग खुद देखे होंगे कि इसकी CBI जांच भी हुई, लेकिन उस CBI जांच का हुआ क्या, उसकी रिपोर्ट अभी तक क्या हुई कुछ नहीं पता। अभी वो चल ही रहा था तब तक आपने देखा कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम घटा है। LT ग्रेड के पेपर जो कलकत्ता में छप रहा था, मेंस का भी पेपर जो कलकत्ता में उसी प्रिंटर को दिया गया था जो विवादित था, और इस तरीके का करप्शन में सीधे परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार का इन्वॉल्वमेंट होना, ये सबसे बड़ा संदेह आयोग के ऊपर खड़ा करता है कि जो हम प्रतियोगी छात्र हैं, जो तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी हैं जो आयोग पर भरोसा करके परीक्षा देते हैं, उस पर एक खड़ा सवाल खड़ा किया गया है जिसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अंजू कटियार के कार्यकाल में जो भी परीक्षाएँ हुई हैं उन सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, आयोग के भ्रष्टाचार की जाँच हो और जो भी इसमें संलिप्त है चाहे वो आयोग के अध्यक्ष हों, सदस्य हों, जो भी हो, और वो इस्तीफा दे, और साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय के जो विभाग है मुख्यमंत्री के पास उनको भी नैतिकता के आधार पर इस पर सोचना चाहिए और गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, आयोग के खिलाफ ये आंदोलन पूरे जन जन के आंदोलन बनाएंगे, हम छात्रों के बीच में जाएंगे, आयोग के भ्रष्टाचार के प्रति छात्रों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे आपको सपनों को बेचा जा रहा है करोड़ों में। विवेकानंद पाठक, इलाहाबाद। बंगाल में सियासी घमासान जारी। जी हां, बंगाल में कमल खिला क्या बवाल शुरू हो गया। जी इन दिनों चुनाव भले ही खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक जामुड़िया क्षेत्र के कुनस्तोरिया कोलियरी में BJP कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। आरोप है कि विजय जुलूस के समाप्त होते ही लगभग 50 की संख्या में BJP कार्यकर्ता कुनस्तोरिया स्थित लाइन पार TMC कार्यालय पर ताला तोड़कर जबरदस्ती कब्जा करते हुए अपना झगड़ा लगा दिया। जैसे TMC खेमे में यह बात पहुंची, मानो आग की लपटों की तरह यह खबर स्थानीय नेताओं संग पुलिस एवं जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी को दी गई। मौके पर पहुंचे TMC जिला अध्यक्ष श्री तिवारी ने BJP के इस करतूत की निंदा की है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता राम सूरत राजभर से बात करते हैं TMC जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी। ठीक है, सब जगह
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিজেপি ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে আসুক, যে উদ্ধার করেছিল বাপের বেটা বলে আসুক, যদি এক বাপের বেটা হয় সামনে আসুক না। আরে আমরা 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 নেই, আমাদের লোকজন নেই, তার মাঝে একটা ঝান্ডা নামিয়ে দিয়ে একটা ঝান্ডা ছাপিয়ে দিয়ে চলে গেলে বিরাট কাজ করে দিলে, ঠিক আছে। বাপের বেটা বটো সামনে আসুন, আমরা তো আছি আছি, আমি বলছি তো বাবু সুপ্রিয়কে বলছি তো, যে বাপের বেটা যদি বাবু সুপ্রিয় আসুক না, সামনে আসুক, সামনে এসে করুক না, দেখি কত ক্ষমতা। আমরা কেউ চেষ্টা করে আমাদের পার্টি অফিস দখল করার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা বসে হাতে চুটি পরে বসে নেই, সেই যেই হোক না কেন, ও বাবু সুপ্রিয় হোক আর ওই কি নাম আহলওয়ালিয়া সাহেব হোক, যেই যেই হোক আমরা কাউকে ছাড়বো, কাল ধুয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হয় যে যারা রাখা কাপুরুষ, তো এরা বাপের বেটা হলে সময় দিয়ে আয় না, আমি বলছি তো যে এক যদি সাহস আছে, সত্যি হিম্মত আছে, তো সময় দিয়ে এসো না, যে এইখানে লড়তে চাইছি, আসুক, একদিকে থাকুক করে একদিকে আমরা আছি, দেখে নেবো কে কার কত ক্ষমতা। অন্ধকারে যখন যখন আমাদের লোক আছে, গোপনে এসব করে চলে, গোপনে গোপন গোপনে তো চোররা আসে, গোপনে যারা আসে তারা চোর, যারা আসল যারা যাদের সাহস থাকে তারা সামনাসামনি যা করা করে, এসো সামনাসামনি এসো না, দেখি কত তানে কত চান। দর্শক অভিযান রুখতে এক ছোটে সে বিরাম কে লিয়ে। अरे यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ज्वेलरी की शॉपिंग कहाँ से करूँ, सारे डिजाइनर शोरूम तो शहर में है। बिल्कुल नहीं, अब तो तू शॉपिंग पांडेपुर से ही कर सकती है। मैंने अभी अभी अपनी शादी की सारी शॉपिंग हरे कृष्ण ज्वेलर्स पांडेपुर से ही की है। अरे भैया गाड़ी जरा लालपुर रोड की तरफ मोड़ना। जी हाँ, अब वरुणा पार के लोगों के लिए भी श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स लेकर आए हैं सोने चांदी और हीरे के डिजाइनर ज्वेलरीज लालपुर रोड पांडेपुर वाराणसी में। जी मम्मी, भैया की शादी की ज्वेलरी कहाँ से ले रही हो? वही तो सोच रही हूँ। क्यों? हरे कृष्ण ज्वेलर्स है ना, वो भी घर के पास महमूरगंज में ही, अब सारी मनपसंद ज्वेलरी वहीं मिल जाएगी, पूरे शहर की खाक छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स का नवीनतम शोरूम अब महमूरगंज वाराणसी में भी, सोने चांदी व डिजाइनर ज्वेलरी का विशालतम शोरूम अब आपके बिल्कुल पास। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स की ट्रेडिशनल व डिजाइनर ज्वेलरीज अब आपके बिल्कुल पास, लालपुर रोड पांडेपुर एवं महमूरगंज वाराणसी में, जहां है आपकी पसंद के लेटेस्ट कलेक्शन, वो भी एक से बढ़कर एक। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी, जी हां, वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के सेमिनार हॉल में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय हिंदी पत्रकारिता कल और आज रहा, जिसमें मुख्य अतिथि आचार्य शांतनु महाराज, मुख्य वक्ता श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह, विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल व प्रोफेसर वंदना पांडे, संरक्षक प्रोफेसर टीएन सिंह के साथ साथ छात्र छात्राएं, अध्यापकगण व मीडिया पर्सन आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की ये रिपोर्ट। युग युग
इंडिया पर जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।